कुशीनगर जनपद के तरिया सुजान थाना क्षेत्र अंतर्गत बहादुरपुर पुलिस चौकी की एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार गोवंशी पशुओं से भरा ट्रक पकड़ा गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जनपद तरिया सुजान थाना क्षेत्र बहादुरपुर पुलिस चौकी प्रभारी प्रेम नारायण सिंह को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि NH-28 के रास्ते तस्करी करने हेतु एक ट्रक गोवंशी पशुओं को बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल भेजने की फिराक में है। मुखबरी की सूचना पर चौकी प्रभारी ने अपने हमराही सिपाहियों के साथ सलेमगढ़ बाजार में NH-28 की नाकाबंदी कर ट्रकों की तलाशी शुरू कर दी। लगभग 12:30 बजे रात्रि को गोरखपुर की तरफ से आ रहे UP-51AT-7628 ट्रक का चालक पुलिस की नाकाबंदी को नजरअंदाज कर तेज गति से अपने ट्रक को लेकर भागने लगा, जिसको पुलिस द्वारा पीछा कर रही बिहार राज्य की सीमा से पहले ही पकड़ लिया गया। परंतु भारी बारिश और रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर चालक और तस्कर भागने में सफल रहे। चौकी प्रभारी द्वारा जब उक्त ट्रक की तलाशी ली गई तो 25 अदद गाय, 3 बछड़ा, 5 बछिया जीवित अवस्था में तथा 1 बछड़ा मृत अवस्था में पाया गया। इस प्रकार 34 गोवंशी पशुओं को बहादुरपुर पुलिस ने पकड़ने में भारी सफलता प्राप्त की है।